लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। लखनऊ लोकबंधु अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोकबंधु अस्पताल राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में जो कानपुर रोड पर स्थित है, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक लोकबंधु अस्पताल लखनऊ ने बताया कि आज हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस बारे में डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक लोकबंधु से खास बातचीत। लखनऊ से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए वरिष्ठ संवाददाता राजीव आनंद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, यहाँ लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय जो कानपुर रोड पे है, 318 बेड का अस्पताल है और यहाँ पे रक्त दान शिविर का आयोजन आज किया गया है, जो कि पैथोलॉजी विभाग में पहली मंजिल पे होगा। इसमें करीब लगभग बहुत अच्छा उत्साह लोगों में है और लगभग 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया अभी तक और इसमें लगातार ये संख्या बढ़ रही है। फोन पे हमारे बात हो रही है, लोग आने को उत्सुक हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सर का भी आगमन निश्चित हुआ है, जो इसका उद्घाटन भी करेंगे और हम सबसे अपील करते हैं कि जो क्षेत्र के लोग हैं निश्चित रूप से यहाँ पहुँचें और ब्लड डोनेट करें। डोनर के लिए विशेष क्या सुविधा है? डोनर देखिए, जो भी ब्लड कैंप होते हैं, तो चूंकि ये सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के द्वारा आयोजित किया गया है, तो जो भी ब्लड देगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कार्ड मिलता है, वो सर्टिफिकेट लेकर वो सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पर कभी भी जाएगा। अगर उसके नियर डियर को कोई भी ज़रूरत है तो वो ब्लड वहाँ से प्राप्त कर सकता है, चाहे ब्लड मिले या प्लेटलेट, चूँकि एक ब्लड यूनिट से चार उसके कंपोनेंट बनते हैं, जो PRBC होता है, प्लेटलेट होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट होता है और FFP होता है। तो इन चारों की कभी भी कोई ज़रूरत अगर भविष्य में डोनर को मिलती है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो जाकर सिविल हॉस्पिटल से बड़े फ्रीली वो ले सकता है। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।